बैलेंस फोर्स। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट जो है धरती पे और रुका हुआ है, चल नहीं रहा है, तो समझ लीजिए वो बैलेंस फोर्स का एक एग्जांपल है, क्योंकि उस पर चार फोर्स एक्ट करते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ रिएक्शन जो कि अपोजिट होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के, और फोर्स ऑफ पुश जो कि हमें एक से दूसरा स्थान पर जाते हैं, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि फोर्स ऑफ पुश के अपोजिट होता है। तो इन सब बातों को हम एक एग्जांपल तौर पर समझेंगे, आइए देखते हैं। बैलेंस फोर्स, मान लीजिए कि एक बॉक्स है जो कि धरती पर रखा गया हुआ है, तो इस धरती पर रखते हुए चार प्रकार के इस पर फोर्स एक्ट करते हैं, मतलब प्रभाव डालते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ, फोर्स ऑफ पुश आप जब धक्का देंगे और दूसरे तरफ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे तब, वहीं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि फोर्स ऑफ पुश के ओपोजिट लगता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और फोर्स ऑफ रिएक्शन जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी के विपरीत लगता है। वहीं हम बोल सकते हैं इफ़ ए रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, कहने का मतलब ये चारों फोर्स जब इस बॉडी पे एक्ट कर रहा है और इसका रिजल्टेंट जो आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो जीरो होगा, तो उसी फोर्स को हम बैलेंस फोर्स कहते हैं। यानी ये बॉडी कहीं मूव नहीं कर सकता है, तो उसी को हम कहेंगे ये बॉडी बैलेंस फोर्स में है। तो वो चार फोर्स हो गए जो बॉक्स पे एक्ट कर रहे हैं, फोर्स ऑफ और पुश, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि ओपोजिट है पुश एंड डज नॉट अलाउ द बॉक्स मूव, पुश के ओपोजिट है जो कि बॉक्स को आगे की तरफ बढ़ने नहीं देगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि अंदर नीचे की तरफ लगता है, और फोर्स ऑफ रिएक्शन जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी का ओपोजिट लगता है, फोर्स ऑफ रिएक्शन ऊपर की तरफ। वहीं हम देखें कि एक साइकिल कर ले लें, साइकिल कर, और ये यूनिफॉर्म में चल रही है, यूनिफॉर्म में मतलब पर हर एक सेकंड पर 10 मीटर चल रही है, हर एक सेकंड पर 10 मीटर, तो वहीं हम इस पर चारों फोर्स अप्लाई कर दें, फोर्स ऑफ रिएक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ पुश जो कि हम पैडल मार कर आगे ले जाते हैं, और फोर्स ऑफ रिएक्शन जो कि इसके चक्के के पास लेंगे। तो ये जो साइकिल होगी ये यूनिफॉर्म चलते जाएगी यूनिफॉर्म चल रही है। इफ ए नंबर ऑफ बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन द बॉडी कंटिन्यूसली टू बी इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, तो कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म मोशन में होगा। वहीं हम एक और एग्जांपल लें, टग ऑफ वार जो कि हम अपने स्कूलों में देखते होंगे, जब खेल प्रतियोगिता होता है तो एक रस्सी होता है लंबा सा, कुछ बच्चे इस तरफ रहते हैं, कुछ बच्चे इस तरफ होते हैं, तो जब इस तरफ के बच्चे और इस तरफ के बच्चे इक्वल फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट होता है वो कहीं मूव नहीं करता है, इस पॉइंट से ना इस तरफ जाता है और ना ही इस तरफ जाता है, तो ये जो फोर्स लगता है इन दोनों में टग ऑफ वार ये बैलेंस फोर्स होता है। वहीं किसी एक का फोर्स ज़्यादा हो जाए या इस तरफ वाले का फोर्स ज़्यादा है इस तरफ वाले का, तो ये जो होगा इस पॉइंट से इस तरफ चली जाएगी या इस तरफ चली जाएगी। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया बैलेंस फोर्स का, जो कि जब ये टग ऑफ वार में जब दोनों तरफ से बल इक्वल फोर्स लगता है तो कहीं जाता नहीं है। इन अ टग ऑफ वार व्हेन द फोर्स एग्जर्टेड बाय टू टीम ऑन रोप आर बैलेंस और इक्वल एंड ऑपोजिट देन द रोप डज नॉट मूव मतलब मूव नहीं करता है इन आइदर डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में। वहीं हम एक बैलून लें, तो जब बैलून को हम रख दिए हैं ग्राउंड पर तो ये कहीं मूव नहीं कर रहा, और दोनों हाथ से जब हम दबाएंगे इसको, दोनों हाथ से ऐसे दबाएंगे तो ये कुछ ऐसा शेप हो जाएगा, यह समझ लीजिए हमारा हाथ है, इसका शेप जो हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं व्हेन अ बैलून इज प्रेस्ड बिटवीन हैंड द बैलेंस फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स को ही बैलेंस फोर्स कहते हैं ऑल ऑन बैलून ड्यू टू विच शेप ऑफ द बलून चेंज, यहाँ पर शेप चेंज हो जाएगा। आप खुद से एग्जाम बैलून के लें, बैलून तो आसानी से जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो खेलने के लिए लेते हैं,
तो वहीं बैलून को जब दबाएंगे तो देखेंगे कि शेप जो हो जाएगा और साइज चेंज हो जाएगा। तो इफ़ ए नंबर ऑफ बैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन स्टेशनरी बॉडी, मान लीजिए कि कोई बॉडी रुका हुआ है, ये बैलून को हम ले लेंगे, बॉडी रुका हुआ है कंटिन्यूसली, द बॉडी कंटिन्यूसली रिमेन इन स्टेशनरी पोजीशन। तो ये जो बैलून है स्टेशनरी का, स्टेशनरी ही रुकेगा जब तक कि कोई इन चारों फोर्स में से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ पुश, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फोर्स ऑफ रिएक्शन, कोई एक फोर्स जब तक अनबैलेंस ना हो जाए, ज़्यादा ना हो जाए, तब तक ये बॉडी क्या होगा, स्टेशनरी में ही रहेगा। तो द बैलेंस फोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन, बैलेंस फोर्स होता है मोशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता इन स्टेशनरी बॉडी और स्टॉप मूविंग बॉडी, चलते हुए भी कोई है तो बैलेंस फोर्स कभी उसको रोक नहीं सकता है। दे कैन चेंज द शेप ऑफ बॉडी, बस शेप ऑफ बॉडी चेंज कर सकते हैं, जो कि हम बैलून के एग्जांपल में देखें। तो मेरे चैनल को जल्दी, अगर जो आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर न्यूटर क्लासेस करके उस पर फॉलो कर लें पीडीएफ लेने के लिए और कोई क्वेश्चन पूछने के लिए।